नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। रायसेन जिले में पुलिस हिरासत में 22 अगस्त को आदिवासी युवक श्रीराम के संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु होने का मामला गर्मा गया है। आदिवासी युवक की हत्या को गंभीरतापूर्वक लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटना की निष्पक्ष जांच करने रामू टेकाम के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए रामू टेकाम प्रतिनिधिमंडल के साथ चैनपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दुख घटना की जानकारी दी। मृतक युवक के परिवारजनों ने पुलिस का हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस जूतों से मारते हुए मेरे बेटे को गांव से पुलिस चौकी ले गई। दूसरे दिन मृत अवस्था में युवक घर पर मिला। वहीं आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम ने बताया कि ये काफ़ी दुखद घटना है। मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है। उन्होंने कहा कि आदिवासी युवक श्री राम की मौत पुलिस कस्टडी में हो जाना जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं मृतक युवक के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर DGP से मुलाकात करेंगे और तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक आदिवासी कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। जी सर, रायसेन जिले में आदिवासी की मौत का मामला आया था पुलिस हिरासत में, इसको लेकर एक जांच कमेटी बनाई थी, आपके प्रतिनिधिमंडल क्या मिलने कल क्या स्थिति जी? हम लोग 1 तारीख को हम चैनपुर ग्राम गए थे और माननीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार जैसे ये घटना उनके संज्ञान में आई है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और शोषण हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी उसको गंभीरता से लेते हुए वो उसमें प्रक्रिया भी करते हैं और वो घटना स्थल पर जाकर या स्वयं जाकर या हम लोगों के माध्यम से उनको न्याय देने का काम करते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने जांच कमेटी बनाई जिसमें मुझे अध्यक्ष बना करके और साथ में हमारे साजिद अली जी और 3-4 साथी और भी थे हमारे। हम जब घटना स्थल में चैनपुर पहुँचे तो हमने परिवारजनों से बात की और गाँव के और भी लोग हमारे साथ में थे, पार्टी के लोग भी थे, तो उन्होंने ये बताया कि ये घटना 22 तारीख की है। 22 तारीख को एक श्रीराम आदिवासी युवक, वो वहाँ पे कोई एक धार्मिक आयोजन चल रहा था, तो ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि वहाँ पे वो कुछ बात कर रहे थे या कुछ व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, तो वहाँ की जो सरपंच पति है पप्पू ठाकुर करके, उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस को बुलाया कि ये व्यक्ति हमारे कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। तो पुलिस आती है और उसको जूतों से मारते हुए, पूरे गाँव से जूतों से मारते हुए उसको वैन में गाड़ी में रखते हैं और उसको चौकी लेकर के जाते हैं। जबकि उस दौरान उनके पिताजी भी पुलिस वाले से बात करते हैं कि भाई आप मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो, लेकिन पुलिस वाले किसी की सुनने को तैयार नहीं थे और छुट्टी का भी समय था, लगभग 2 बजे की बात थी, स्कूल की छुट्टी थी और बच्चों ने भी देखा कि पुलिस वाले उस आदिवासी युवक को जूतों से मारते हुए बैरने से मारते हुए लेके गए। लेकिन जब शाम को वो पिता अपने पड़ोसियों से चर्चा किया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, हमें थाने चलना है, तो लोगों ने कहा तो रात हो गई, हम सुबह जाएंगे। जब सुबह वो थाने जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने देखा कि अपने घर के कमरे में संदिग्ध हालात में श्री राम जो आदिवासी युवक है उसकी वहाँ पे लाश मिलती है। उन्होंने उनको लगा कि यह हो सकता है बीमार है या कोई ऐसी बात हुई होगी, तो गाँव के आसपास के लोगों को बुलाया जाता है। उसके बाद में एक स्थानीय जो डॉक्टर है उसको भी बुलाया, वो पुष्टि करता है कि यार इसमें शायद इसकी अब मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद भी अपनी तसल्ली के लिए उसको लेकर के वो सिलवानी जाते हैं जिला हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जो डॉक्टर है सरकारी डॉक्टर वो उन्हें मृत घोषित करते हैं, फिर उसके बाद उनका PM होता है। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो समाचार पत्रों के माध्यम से पुलिस के अधिकारी ये जवाब देते हैं कि हमने श्रीराम को लाया तो था, लेकिन जिस व्यक्ति ने थाने में शिकायत की थी उसी व्यक्ति के हाथ में हमने इसको रवाना कर दिया था। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है आप उसी व्यक्ति के साथ में आप उसको भेज रहे हो, और वो भी व्यक्ति कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं उसको लेके गया, कब उसको ला के छोड़ा। अब लेकिन जब मैं गांव वालों से बात किया, परिवार वालों से बात किया, तो लड़के का पिता ये बोलता है कि भाई हमें तो पुलिस पर शक है, क्योंकि पुलिस हमारे बेटे को मारते हुए लगे थी और दूसरे दिन वो मृत हालात में मिला।
तो उनका पूरा आरोप पुलिस प्रशासन पे है कि पुलिस प्रशासन के लापरवाही के चलते मेरे बेटे की हत्या हो गई है और अभी अभी उसकी शादी हुई थी, 28 साल का युवक था, अब उसके परिवार का लालन पालन कैसे होगा, उसकी बीवी का क्या होगा और उसके पिता को कैसे न्याय मिलेगा। उसके पिता रो रहे थे, उन्होंने कहा कि आप कमलनाथ जी से भी बात कीजिए और कांग्रेस पार्टी हमारी क्या मदद कर सकती है। हमने विश्वास दिलाया कि माननीय कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ में खड़ी है और आपको हर संभव हम मदद करेंगे और न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। हम एक दो दिन में हम पुलिस के अधिकारी DGP से भी मिलेंगे और निश्चित ही हम उस पर न्याय की भी मांग करेंगे कि उसकी न्यायिक जांच हो और व्यक्ति जो खत्म हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा परिवार वालों को मिले। खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.